तो दे मीरथल इलाके दे विच उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जदों फौज दे जवान दे वल्लों दो हवलदारां नूं गोलियां मार के मौत दे घाट उतार दिता गया। सूत्रां दी मन्नी है तां जिहड़े दो हवलदारां नूं मुलजम ने गोली मारी है उन्हां नाल अक्सर छुट्टी दे नाल लैके उसकी बहस हुंदी सी। छुट्टी ना मिलन दे कारण मुलजम ने इस घटना नूं अंजाम दिता। यह जानकारी हासिल हुई अमरन वालिया दे विच एक महाराष्ट्र ते दूजा पछमी बंगाल दा रहण वाला दस्या जा रहा। पठानकोट के मीथल दे विच घटना वापरी है। सुफौज दे जवान ने दो हवलदारां नूं गोली मारी है। हवलदारां दी मौत हो चुकी है। छुट्टी की गल सामने आ रही है कि छुट्टी लैण नूं लैके मुलजम थी हवलदारां दे नाल बहस हुंदी सी और कारण भी यही दस्या जा रहा है। मरण वालों के बीच एक महाराष्ट्र ते दूजा पछमी बंगाल का रहण वाला दस्या जा रहा है। सूत्रों की मनीए तो जिहड़े दो हवलदारां नूं मुलजम ने गोली मारी है उन्होंने नाल अक्सर छुट्टी नूं लैके बहस हुंदी सी। छुट्टी ना मिलन के कारण मुलजम ने इस घटना नूं अंजाम दिता है। गल्लां सामने आ रही ने सो किते ना किते गुस्से दे विच आपा खो दिता। अजय महाजन इस समय साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने, साडे सहयोगी। अजय जानना चाहवांगे पूरी घटना के पिछे असल कारण की है, जो गल्लां निकल के सामने आ रही ने गुस्से दे विच पूरा कदम चुकया गया या कोई होर वजह सी? जी बिल्कुल, सोर्सेस दे हवाले ते मंते जो खबर आई है जी ओह है कि एक जवान ने दो हवलदार उसके सीनियर जड़े सीगे 15 यूनिट के बच्चे उसको गोलियां मार के कतल किया। उन्होंने दो जड़े उसके सीनियर सके जो सोर्सेस ने जैसा है जानकारी ये हैगी है कि कई बार छुट्टी अप्लाई ये करता सीगा और छुट्टी ना मिलने तो ये परेशान सीगा जिस करके इसने कदम चुका हैगा और इसने अपनी इंसास राइफल से जो ये दोवें सो रहे थे इस दोवें सीनियर हवलदार तो इस जवान ने ये अपनी संतरी पोस्ट के उत्ते तैनात सीगा अपनी इंसास राइफल के नाल गोलियां मार के दोवां नूं कतल किया। उस तो बाद राइफल सुट के ये फरार हो गया हैगा और बाद दे विच हुण शाम नूं जो इनफॉर्मेशन आई हैगी है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया हैगा और सवेरे इसका मेडिकल करवाया जाएगा। लेकिन असल कहानी जिहड़ी हैगी है वो सामने नहीं आ रही हैगी क्योंकि सिर्फ छुट्टी ना देन तो ये परेशान सीगा या फिर कुछ होर वजह सीगी, ये इनवेस्टिगेशन का मैटर हैगा। आर्मी अपने तौर पर इनवेस्टिगेशन कर रही हैगी है। पुलिस ने 302 की FIR कतल की FIR दर्ज की है जवान के उत्ते और गिरफ्तार कर रहे हैं और पुलिस अपने तौर पर इनवेस्टिगेशन कर रही हैगी है। मामला की निकल के सामने आता है और की वजह ने कि जिस करके इस जवान ने ये कदम चुकया कि अपने जो सीनियर हवलदार थे उन्होंने गोलियां मार के कतल किया है। ये दोनों का पोस्टमार्टम लई जोड़े शव है ने वो सिविल होस्पिटल पठानकोट लिया गए ने और जोड़ा जवान है जिसने इस दोहरे कतल को अंजाम दिता उसको गिरफ्तार कर लिया गया है गया। जी बिल्कुल अजय, वाकई वड्डी वारदात है। आप इत्ते कंट्रोल नहीं और काफ़ी जिहड़ी वड्डी वजह नहीं सी जिस करके इस घटना नूं अंजाम दिता गया। फिलहाल जो जानकारी सांझा कीती है तुसीं उस लई धन्नवाद करना।